वेलकम बैक टू द वीडियो गाइज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 25,000 के आसपास आने वाले कुछ बेस्ट एंड ऑल राउंडर स्मार्टफोन के बारे में। वैसे तो गाइज 25,000 के आसपास ढेरों सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है फिलहाल, लेकिन उन सभी में से जो सबसे अच्छे स्मार्टफोन थे उन्हीं स्मार्टफोन के बारे में हमने आपको बताया है। सो काफी रिसर्च, रिव्यूज और एनालिसिस के बाद हमने आपको टॉप 4 बेस्ट एंड ऑल राउंडर स्मार्टफोन बताया है जिसे आप 25,000 के आसपास बाय कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इन चारों स्मार्टफोन पर आपको काफी अच्छे बैंक ऑफर और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हमने कुछ ऐसे स्मार्टफोन को भी रखा है जिसमें आपको फ्लेक्सिबल लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपका बजट 25,000 के आसपास है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वैसे तो ये चारों स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है, बट फिर भी आपको समझने में थोड़ी सी इजीनेस हो इसलिए हमने इन चारों स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 4 से। और नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश डिवाइस है और साथ में ट्रूली 5G फोन भी है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का नाम है Xiaomi 11 Lite NE 5G। वैसे तो इस फोन को लॉन्च हुए काफी समय हो गया है, बट जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम इस फोन का प्राइस 26,000 से 27,000 के आसपास था, बट अभी इस फोन पर काफी अच्छे बैंक ऑफर और डिस्काउंट दिया गया है। फिलहाल ये फोन आपको 20,000 के आसपास ही मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ फीचर्स दिया गया है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का जो बैक पैनल है ग्लास से बना हुआ है और बैक पैनल COG5 से प्रोटेक्टेड है, हालांकि जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है। वैसे ये फोन बहुत ही ज्यादा लाइट और स्लिम है, सिर्फ 6.8 mm की थिकनेस है एंड ओनली 158 ग्राम वेट है। इट मीन्स इट इज द स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट फोन अंडर ₹25,000। ऑल्सो IP53 की रेटिंग भी दी गई है। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, सॉलिड है। जब आप होल्ड करोगे तो प्रीमियम फील होगा आपको। तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि सच में बहुत ही ज्यादा हल्का और पतला हो और अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। खैर इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है और स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि बहुत ही फास्ट है। ऑल्सो आयर ब्लास्टर भी अवेलेबल है। और हाँ, इस फोन में आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाय द वे ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन MIUI 12.5। UI के अंदर किसी भी तरह के एड्स देखने को नहीं मिलेगा और शायद ही आपको कभी बग्स वगैरह देखने को मिले। Xiaomi ने अच्छे से MIUI को पॉलिश कर रखा है। और हाँ दोस्तों, Xiaomi ने प्रॉमिस किया है 3 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा इस फोन में आपको और 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो सॉफ्टवेयर वाइज भी बहुत ही अच्छा रहेगा ये फोन। चलिए आप जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो इस फोन में आपको मिलता है 4250 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 आवर के आसपास समय लगता है और नॉर्मल यूजर्स में 1 दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से आपको मिल जाएगा। और बैटरी कैपेसिटी कम होना लाजमी है क्योंकि ये फोन बहुत ही ज्यादा लाइट और स्लिम है। खैर इसके साथ ही अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें, जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले मिलता है आपको इस फोन में, आपको मिलता है 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट के साथ एमोलेड डिस्प्ले जो कि डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है और ये बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। ऑल्सो 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, 240Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है, 800 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है, HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है और डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो देखा जाए तो इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है, एक्सीलेंट क्वालिटी का डिस्प्ले ऑफर किया गया है Xiaomi की तरफ से। स्पेशली इस फोन का जो डिस्प्ले है कंटेंट कंजप्शन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि Netflix पर Dolby Vision का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है Snapdragon 778G वाला 5G चिपसेट जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड स्टेबल चिपसेट है। 6 nm बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होगी। अराउंड 5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है और वर्चुअली 4GB तक रैम बढ़ा पाएंगे। इतना ही नहीं, ये फोन लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है जिससे थोड़ी बहुत हीटिंग कंट्रोल भी हो जाती है। तो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा मिलता है, डे टू डे यूजेस में कोई लैग और शटरिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा, आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 12 5G बैंड्स का सपोर्ट जिससे ये एक ट्रूली 5G फोन बन जाता है। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, लेटेस्ट वाईफाई 6 दिया गया है और NFC का भी सपोर्ट अवेलेबल है। तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई इशू नहीं होगा, सभी फीचर्स अवेलेबल है। फाइनली कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 MP का दिया गया है और ये सेंसर लो लाइट में भी काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। वैसे ये कैमरा सैमसंग का GW3 सेंसर है।
बाकी सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि सोनी IMX355 वाला सेंसर है। थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जो कि टेली मैक्रो लेंस है। वैसे रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p में 60fps तक। वीडियो के अंदर EIS का सपोर्ट मिल जाएगा, OIS का सपोर्ट नहीं है। वही फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि सैमसंग का सेंसर है। फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। स्पेशली इस फोन का जो टेली मैक्रो लेंस है बहुत ही जबरदस्त है, स्किन टोन वगैरह नेचुरल देखने को मिलती है। ये फोन कैमरे के लिए भी बेस्ट रहेगा क्योंकि कैमरे के अंदर बहुत सारे फिल्टर्स और मोड्स मिल जाते हैं। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 26,000 रुपीज है, प्लस 4,000 रुपए का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। और अगर आपके पास ICICI बैंक के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है तो डायरेक्टली 6,000 रुपए तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो बैंक ऑफर के साथ 8128 वाला 20,000 में ही मिल जाएगा। इन केस अगर आपके पास ICICI बैंक के कार्ड नहीं है फिर भी ये फोन आपको 22,000 के आसपास ही मिल रहा है, 20 से 22,000 के रेंज में मिलता है, तो डेफिनेटली इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। बाकी ये रहे इस फोन के डिटेल प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये इस लिस्ट का सबसे न्यू फोन है और इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme 10 Pro Plus 5G के बारे में। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में भी हमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाता है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, मीन्स प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। हालांकि डिजाइन बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं ओनली 7.8mm की थिकनेस है, मतलब ये फोन स्लिम है एंड 173g वेट है, तो वेट भी बहुत कम है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है, प्रीमियम फील होगा आपको। वैसे ग्लास बैक होता तो ज्यादा बेहतर रहता। खैर बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो ये फोन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है और स्पीकर की क्वालिटी काफी जबरदस्त है। इस फोन में आप 2 SIM कार्ड लगा सकते हैं लेकिन SD कार्ड नहीं लगा सकते, और साथ में 3.5mm का जैक भी अवेलेबल नहीं है। वैसे बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि फास्ट है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है बेस्ड ऑन Realme UI 4.0। Realme ने प्रॉमिस कर रखा है इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। ध्यान रहे सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारे ब्लॉटवर देखने को मिलेगा आपको। अब जानते हैं इस फोन के कुछ मेन फीचर्स। तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 50 मिनट का समय लगता है और नॉर्मल यूजर्स में 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में जो कि इस फोन का की हाइलाइटिंग फीचर है। जी हाँ, इस फोन में लगा हुआ है 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस 10 बिट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 360Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है, HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है और 900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है जिससे ब्राइटनेस से भी ज्यादा इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी एक्सीलेंट है, तो मल्टीमीडिया कंजप्शन में ये फोन बहुत ही जबरदस्त रहेगा, काफी प्रीमियम दिखता है कर्व डिस्प्ले होने के कारण। बात करें कैमरा के बारे में तो कैमरा आपको एवरेज या फिर डिसेंट टाइप का ही मिलेगा। ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है जो कि सैमसंग का HM6 सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p में 60fps तक। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि सोनी IMX471 वाला सेंसर है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था कैमरा। डेलाइट कंडीशन में अच्छे फोटोस आ जाते हैं, वही फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस भी डिसेंट टाइप का है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है ब्रांड न्यू MediaTek Dimensity 1080 वाला 5G चिपसेट जो कि Dimensity 920 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। 6nm पर बना हुआ है, 5,20,000 के आसपास अंतुदो स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 वाला स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है और वर्चुअली 8GB तक रैम बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है ये फोन। ओवरऑल परफॉर्मेंस सेगमेंट में ये फोन अच्छा रहेगा, मतलब डे टू डे यूज में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 10 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, वाईफाई 6 आता है, वाईफाई कॉलिंग भी है, ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 6128 के लिए 26,000 रुपीज है, वहीं 8128 के लिए 28,000 रुपीज है और फिलहाल 1,000 से 2,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर लेना। तो इस फोन को अगर हम सम अप करें तो अगर आपको 25,000 के आसपास एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग हो, डिजाइन अच्छा हो, परफॉर्मेंस इशू ना हो, बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड भी अच्छा हो और कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो, तो इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स।
चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। और नंबर टू पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन है। जी हाँ, इस फोन का नाम है ओप्पो रेनो 8 5G। वैसे तो इस फोन का प्राइस 30,000 के आसपास है, लेकिन अक्सर इस फोन पर 4 से 5 हज़ार रुपए तक का बैंक डिस्काउंट रहता ही है, और बैंक ऑफर वगैरह लगाकर 25,000 के आसपास मिल जाएगा अभी भी ये फोन। खैर, क्या कुछ फीचर्स दिया गया है चलिए जल्दी से जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, मीन्स प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। बॉक्सी डिजाइन को फॉलो करता है ये फोन। ओनली 7.7 mm की थिकनेस है एंड 179 ग्राम वेट है, तो काफी स्लिक डिजाइन है और लाइट वेट भी है। अच्छी बात यह है कि ये फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटर प्रूफ भी है ये फोन। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं दिखने को बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करें कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, तो ड्यूल स्पीकर नहीं है, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है। ड्यूल सिम सपोर्ट करता है, एसडी कार्ड नहीं लगा सकते और 3.5 mm का जैक भी नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि फास्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन कलर ओएस 12.1। ओप्पो इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है और 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर देखने को मिलेगा आपको। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में, तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 4500 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में केवल 30 मिनट का ही समय लगता है और मिक्स यूजेस में एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन भी आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में हमें मिलता है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है, एचडीआर 10 सर्टिफाइड है और 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। हाँ, डिस्प्ले के ऊपर COG 5 का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले ठीक ठाक दिया गया है, डिसेंट टाइप का। मेरे हिसाब से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना चाहिए था और नीचे की तरफ से थोड़े बेजल्स भी ज्यादा है। हाँ, तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट में थोड़ा सा और बेटर हो सकता था ये फोन। अगर हम कैमरा के बारे में बात करें जो कि इस फोन का मेन हाइलाइटिंग फीचर है, जी हाँ, इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा। प्राइमरी सेंसर 50 MP का है जो कि सोनी IMX766 वाला सेंसर है और ये एक फ्लैगशिप सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है और थर्ड कैमरा 2 MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p में 60fps तक। मेन कैमरे में EIS का सपोर्ट है, OIS का सपोर्ट नहीं है। फ्रंट में 32 MP का कैमरा दिया गया है जो कि सोनी IMX709 वाला सेंसर है। फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, नॉर्मल कंडीशन में काफी अच्छे से कैमरा परफॉर्म करता है, इवन लो लाइट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस भी काफी सही मिलता है आपको। इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 1300 वाला 5G चिपसेट जो कि MediaTek की तरफ से ये एक फ्लैगशिप चिपसेट है। 6 nm पर बना हुआ है, 6,70,000 के आसपास अंतुदु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 3.1 वाला स्टोरेज है, बाकी रैम LPDDR4X वाला है। वर्चुअली 5GB तक रैम भी बढ़ा सकते हैं और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस सेगमेंट में ये फोन बहुत ही अच्छा रहेगा, आराम से 50-60fps तक गेम प्ले कर सकते हैं और डे टू डे यूजर्स में कोई लैग और जिटरिंग इशू भी नहीं आता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, 2x2 मीमो का भी सपोर्ट है, वाईफाई 6 आता है, वाईफाई कॉलिंग भी है और ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का भी सपोर्ट है और हाँ NFC भी आता है, तो कनेक्टिविटी में बहुत ही अच्छा रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ अवेलेबल है, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, जिसके लिए 30,000 रुपीज है। फिलहाल इस फोन पर 4,500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट अवेलेबल है। 3,000 रुपए का तो प्रीपेड डिस्काउंट है जो कि आपको सभी बैंक के कार्ड पर मिल जाएगा इजिली, और अगर आपके पास फेडरल बैंक के कार्ड है तो डायरेक्टली 4,500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बैंक ऑफर के साथ ये फोन फिलहाल आपको 25,500 के आसपास ही मिल जाएगा। वैसे बैंक ऑफर तो चेंज हो सकता है, लेकिन 3,000 रुपए का प्रीपेड डिस्काउंट आपको अक्सर ही मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि इस फोन को आप 30,000 के आसपास मत ही बाय करना। अगर 25 से 26,000 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। स्पेशली इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, डिजाइन वगैरह तो है ही अच्छा। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। और गाइज, नंबर वन पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है इसे आप एक कम्प्लीटली ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं। जी हाँ, इस फोन का नाम है नथिंग फोन 1। नॉर्मली ये फोन 34,000 के आसपास आता है, बट अभी ये फोन आपको 25,000 के आसपास ही मिल जाएगा और इसी वजह से इस फोन को भी हमने इस लिस्ट के अंदर रखा है। पहले जल्दी से जान लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स दिया गया है इस फोन के अंदर भी।
स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ग्लिफ लाइटिंग के साथ आता है विद ट्रांसपेरेंट बैक, और जिसके कारण इस फोन का जो लुक है अलग ही दिखता है। वैसे बैक पैनल ग्लास से बना हुआ है जो कि COG5 से प्रोटेक्टेड है, और जो फ्रेम है वो भी मेटल का है। 8.3 mm की थिकनेस है, मतलब थिकनेस भी काफी सही है, एंड 193 ग्राम वेट है, तो वेट भी ठीक ठाक कह सकते हैं। बाकी IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में आउटस्टैंडिंग है। खैर, इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फोन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, और स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छा है क्योंकि ये एक सेमी फ्लेक्सी फोन है, तो इस फोन में आप दो सिम कार्ड लगा पाएंगे लेकिन SD कार्ड नहीं लगा सकते, और 3.5 mm का जैक भी नहीं है। वैसे बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन नथिंग OS 11.1। सो इस फोन का जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज्यादा नीट और क्लीन है, किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है। बाकी नथिंग ने प्रॉमिस कर रखा है 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा इस फोन को, और 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट, जो की काफी अच्छी बात हो जाती है। अगर हम कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 4500 mAh की बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 33 W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन बॉक्स के अंदर अडेप्टर नहीं मिलेगा आपको, सो हाँ इस बात का आप ध्यान रखना। वैसे बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 से 7 घंटा का समय लगता है, और बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है इस फोन का, 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप ये फोन आपको इजीली दे देगा। वैसे ये फोन कुछ फ्लेक्सी फीचर्स के साथ भी आता है, जैसे कि ये फोन 15 W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, और इसके साथ ही रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर हम कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन ड्यूल रियर कैमरे के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, जो कि सोनी IMX766 वाला सेंसर है, और ये सेंसर OS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा भी 50 MP का ही है, जो कि अल्ट्रा वाइड और मैक्रो फोटो के लिए है, और ये सैमसंग का JN1 सेंसर है। वैसे रियर कैमरे से आप 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 1080p में 60 FPS तक। खैर, फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है, जो कि सोनी IMX471 वाला सेंसर है, और फ्रंट कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस काफी सही है, डे एंड नाइट दोनों में ही काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, काफी नेचुरल फोटो क्लिक करता है, कैमरा परफॉर्मेंस से आपको निराशा नहीं होगी। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फोन 6.55 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट के साथ OLED डिस्प्ले के साथ आता है विद 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट है, 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, बाकी HDR10+ सर्टिफाइड है, वाइड बैनल वन का सपोर्ट मिल जाता है, और डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। ओवरऑल इस फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा है, सिमेट्रिकल बेजल्स के साथ आता है, तो कंटेंट वॉचिंग में काफी अच्छा रहता है। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 778G प्लस 5G चिपसेट, जो कि 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। लगभग 6 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है चिपसेट के अकॉर्डिंग। UFS 3.1 का स्टोरेज है, LPDDR5 वाला रैम है, और ऑल्सो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलता है, डे टू डे यूजेस में किसी भी तरह का लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलता है, आराम से आप 60 FPS तक गेम प्ले कर सकते हैं इस फोन से। बाकी हीटिंग इशू बहुत कम देखने को मिलती है, इवन लॉन्ग सेशन में भी। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है, और हाँ NFC का भी सपोर्ट है, सो कनेक्टिविटी भी काफी सही है। फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल 8/128 के लिए 27,500 रुपए है, वही 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के लिए 29,500 रुपए, और अगर आपको 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए 33,500 रुपए पे करने होंगे, और करंटली 1500 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा फेडरल बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। तो बेस वेरिएंट वाला फिलहाल 26,000 के आसपास मिल जाएगा आपको, और इस प्राइस पॉइंट पर मिलता है तो ये फोन भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा आपके लिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर्स दिया गया है, ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज यही थे इस लिस्ट के टॉप 4 बेस्ट एंड अल्टीमेट स्मार्टफोन अराउंड 25,000। प्राइजेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये चारों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे हैं अपने प्राइस के हिसाब से। इनमें से आप किसी भी स्मार्टफोन को पिक कर सकते हैं अपने बजट एंड नीड के अकॉर्डिंग। वैसे अभी भी आपका कुछ डाउट और कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। बाकी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।